हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो गाइस, लास्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज आंसर देने वाला हूं और आज गजब क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको 110%। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे। बताना चाहता हूं, सीएससीएस, सीएमए, एलएलबी, जुडिशरी सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अगर किसी ने पिछला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है, आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगी और नीचे पूरी प्लेलिस्ट बनाते हुए जा रहा हूं, हर चीज मिलेगी, सारे क्वेश्चन और सारे आंसर। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, 14th ऑफ जून से सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 का एक नया बैच हमारा शुरू हो रहा है। किसको अगर एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन था जहां पे मैंने किसी बंदे को मिस रिप्रेजेंट किया था कि भाई जमीन मेरी, जबकि जमीन मेरी नहीं थी। बाद में जमीन मेरी हो गई, लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि जब मैं रिप्रेजेंट किया था तब मेरी जमीन थी नहीं, तो अब इसको सेट असाइड करो। सबका एक चीज तो बड़ा सही था कि भाई ये तो फ्रॉड है, वॉइडेबल है उसके ऑप्शन में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये भूल गए बेटा, रूल ऑफ स्टॉपल भी तो लगता है। तो अगर मैंने किसी को फ्रॉड करके बताया जमीन मेरी और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब मेरी जमीन नहीं थी, ओके, बाद में मेरी जमीन हो गई ना, तो फ्रॉड हुआ। ये बहुत करेक्ट बात है, सबका आंसर सही है कि हाँ सर फ्रॉड हुआ था। बट रूल ऑफ स्टॉपल का क्या बेटा, वंस यू हैव मेड एनी स्टेटमेंट यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट स्टेटमेंट आफ्टरवर्ड्स। तो भाई उस रूल ऑफ स्टॉपल के बेसिस पे मेरे को जमीन देनी पड़ेगी, इवन दो वो जमीन जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा था तब वो मेरी नहीं थी, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो आ गई ना। तो जब मैं रिप्रेजेंट किया था तो बिलीव किया था, बिलीव करवाया था सामने वाले को, और वो गुड फेथ में माना भी और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो रूल ऑफ स्टॉपल के हिसाब से उसको जमीन जाएगी, उसके पास गुड टाइटल जाएगा। मैं इस ग्राउंड पे डिफेंस नहीं दे सकता कि भाई जब मैंने रिप्रेजेंट किया था तब तो मेरी जमीन नहीं थी, ये ग्राउंड ऑफ डिफेंस मैं नहीं ले सकता, मुझे उसको सेल करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपको मैं लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन का जो आपको केस स्टडी दिया था बेटा, वो ट्रस्ट के केस वाला है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन है ट्रस्ट वाला, जहां पे अगर जो ट्रस्टर है यानी कि पिताजी ने ए को जमीन दी, पूरी पैसे दिए, बोला बी को बेटा दे देना, बी तेरी इललेजिटिमेट भाई है तेरा, दूसरी औरत से हुआ हुआ है, तो बी क्या हो गया, बेनिफिशियरी हो गया। तो भाई ट्रस्टर कौन था, फादर, ट्रस्टी कौन हो गया, ए जो मेजर था, जो लेजिटिमेट सन था, और बी जो था इललेजिटिमेट सन, वो क्या हो गया, बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी ट्रस्ट के केस पे इन्फोर्स कर सकता है भले वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब बेटा इसका आंसर, सबसे पहला सीए स्टूडेंट करके है, उसने रूल ऑफ स्टॉपल बताया, पहले वाले क्वेश्चन का उसने आंसर सही दिया। दूसरे वाले का आंसर उमंग ने सही दिया और आशीष करके उसने सही दिया, और उमंग का पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। स्क्रीन में आपको सबका शॉर्ट आउट दिख रहा होगा। आज का क्वेश्चन बहुत शानदार है बेटा, ध्यान से सुनना। आज का क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी को बोलता है मैं तेरे को न्यू सिंगर कार, कार का नाम है न्यू सिंगर कार बेचूंगा। बी बोला हाँ ठीक है मैं खरीदूंगा। अब इनने अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में एक एक्सप्रेस क्लॉज डाला जिसपे ए ने बोला जो भी कंडीशन, जो भी वारंटी का अगर ब्रीच होता है उसमें मेरी कोई भी लायबिलिटी रहने वाली नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा है कि आप एक्सप्रेस क्लॉज डाल के इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी को एक्सक्लूड कर सकते हो, चाहे एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी हो उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को एक न्यू सिंगर कार बेचूंगा, और एक एक्सप्रेस क्लॉज डालता है कि जो भी लायबिलिटी आएगी अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन और वारंटी की, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अब ए जो है बी को बेचता है यूज्ड कार, बरोबर है क्या? अब बी बोलता है भाई तूने तो यूज्ड कार बेच दी है मेरे को, और मैं इस बेसिस पे उसको रिजेक्ट करना चाहता हूं और मेरे को प्राइस रिफंड चाहिए। ए बोलता है देख मैंने पहले ही एक्सप्रेस क्लॉज डाला था कि कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, कोई भी कंडीशन और वारंटी की ब्रीच होगी तो उस बेसिस में मैं कार का रिजेक्शन भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और पैसा भी रिफंड नहीं करूंगा। तो आपको बी को एडवाइस करना है कि बी को आप एज अ प्रोफेशनल क्या एडवाइस करोगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। डू लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल विद ऑल योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर नए हो तो ऐसी खतरनाक कंटेंट आते रहते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।